जिला बिलासपुर के घुमारवी ब्लॉक कांग्रेस का किसानों के समर्थन में 24 घंटे का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। ये धरना प्रदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक राजेश तरमाणी के नेतृत्व में नगर परिषद के प्रांगण में दिया गया है। कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गयी तथा किसानों के लिए जो बिल कानून केंद्र सरकार ने बनाया है उसका पुनर्जोर विरोध किया गया है। धर्माणी ने अपने संबोधन में भाजपा पर तंज कसा है। वे बातें और नारा तो सबका साथ सबका विकास का देते हैं, पर अब ये सबका साथ अपनों का विकास लग रहा है। भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और ये अडानी और अंबानी को खुश करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने कहा कि अन्नदाता का अपमान कतई भी सहन नहीं किया जाएगा। केंद्र की तानाशाही सरकार इस काले ब तानाशाही बिल ब कानून को निरस्त किया जाए। किसानों को दिल्ली जाने के लिए रोका जा रहा है तथा उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। पूरे देश के किसान केंद्र ब मोदी सरकार का इस बिल ब कानून का विरोध कर रहे हैं तथा किसानों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं। पूर्व CPS राजेश तरमाणी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो काला कानून बनाया गया है वे किसान विरोधी है। अगर केंद्र सरकार ने बिल ब कानून सही बनाया गया होता तो किसानों का ये हाल नहीं होता और उन्हें सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। कांग्रेस सरकार के समय में किसानों को जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी उन्हें आज छीना जा रहा है और उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। भाजपा वालों की करनी और कतनी में अंतर है तथा किसान मजबूर होकर अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहा है तथा भाजपा व मोदी सरकार लोगों को अभी भी बिल के लिए गुमराह कर रहे हैं। किसानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, देशवासी के प्रति जो आपका रवैया है उसको बदलें और जो पूंजीपतियों की ऐसी सरकार है फैसला पूंजीपतियों के साथ पर पूंजीपतियों के फायदे के लिए ले रही है। इस रवैये को बदलें, इसे खुद बदलें, क्योंकि चुनाव से अपने था सबका सबका विकास जो सपने लेने के बदल है सबका लेने बात हो रही लेकिन विकास अपनों का हो रहा है।